आखिर क्यों लाखों का जॉब छोड़कर सोशल मीडिया से जुड़े रॉकी शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर हो रहे तेजी से कॉमेडियन रॉकी शर्मा के बारे में, जिनकी रियल कॉमेडी वीडियो इतनी मजेदार होती है कि रोता हुआ इंसान भी अगर देख ले तो वो हंस दे। लेकिन क्यों रॉकी ने लाखों के जॉब को छोड़कर कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू किया? क्या उन्हें सोशल मीडिया से ज्यादा पैसे मिलते हैं या फिर उन्होंने ऐसा फेमस होने के लिए किया? ऐसे अनेकों सवालों पर से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं और साथ ही कॉमेडियन रॉकी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी सही कहेंगे कि रॉकी ने जॉब छोड़कर सही किया, और साथ ही रॉकी की गर्लफ्रेंड के बारे में बताएंगे। लेकिन कॉमेडियन रॉकी के बारे में जानने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में एक बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड टैलेंटेड बच्चे का जन्म हुआ, जिसे आज हम सोशल मीडिया पर रॉकी शर्मा के नाम से जानते हैं। बात करें रॉकी की फैमिली की, इनकी फैमिली में के मम्मी पापा भैया भाभी और ये हैं। अगर हम बात करें रॉकी की स्कूली पढ़ाई की, तो रॉकी ने पटना के एक प्राइवेट स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट की और पटना से ही ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है। रॉकी को बचपन से ही एक्टिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन घर वालों का कहना था कि पहले तुम पढ़ाई कर लो, एक्टिंग वगैरह तो तुम बाद में भी कर सकते हो। फिर इस तरह से रॉकी ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करने लगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में रॉकी का अच्छा खासा पेमेंट भी था, लेकिन कहीं से रॉकी को टिकटॉक के बारे में पता चला, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बचपन के सपने को टिकटॉक पर वीडियो बनाने के दौरान पूरा करूं। फिर रॉकी जॉब भी करते थे और टिकटॉक पर वीडियो भी बनाते थे, लेकिन 3-4 महीने वीडियो बनाने के बाद टिकटॉक इंडिया से बैन हो गया। टिकटॉक बैन हो जाने के बाद रॉकी थोड़ा उदास रहने लगे, लेकिन इन्हें कुछ ही दिनों बाद इंस्टाग्राम के बारे में पता चला। लेकिन रॉकी ने सोचा कि अगर मैं इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने लगूंगा और टिकटॉक की तरह वो भी बैन हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसीलिए रॉकी ने 3-4 महीने तक अपने जॉब पर ही ध्यान दिया। लेकिन एक दिन इनकी फ्रेंड ने इन्हें इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के लिए कहा, लेकिन रॉकी ने मना कर दिया, लेकिन इनकी फ्रेंड ने इन्हें खूब समझाया तो ये रील्स बनाने के लिए तैयार हो गए। फिर ये किसी तरह से अपने जॉब में से थोड़ा सा समय निकाल कर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने लगे, लेकिन रॉकी को मेहनत कुछ ज्यादा ही पड़ती थी, जिसकी वजह से रॉकी परेशान होकर अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली नौकरी को छोड़कर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगे। लेकिन दूसरी तरफ जब रॉकी के घर वालों को ये पता चला कि रॉकी ने अपने जॉब को छोड़कर वीडियो बनाने लगे, तो इनके घर वाले इन पर गुस्सा करने लगे, और फिर 4-5 महीने तक वीडियो बनाने के बाद फिर भी रॉकी का कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ, तो एक दिन रॉकी ऐसे ही उदास बैठे रील्स चला रहे थे तो इनकी नजर कुसुम के वीडियो पर गई, क्योंकि कुसुम अपने रियल आवाज में वीडियो बनाती थी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ अलग कंटेंट करूं, और फिर रॉकी ने अपना रियल कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और जब लोगों ने रॉकी के रियल कॉमेडी वीडियो को देखा तो लोगों को खूब पसंद आया और लोग रॉकी के वीडियो पर भर भर के प्यार देने लगे। और दूसरी तरफ जब लोगों का इतना प्यार पाकर रॉकी के घर वालों को पता चला, तो रॉकी के घर वाले भी रॉकी को फुल सपोर्ट करने लगे। फैमिली के फुल सपोर्ट और लोगों का इतना ज्यादा प्यार पाकर रॉकी ने अपने वीडियो में कुछ अलग करना चाहा, और उन्होंने कुछ अलग करने के लिए कुसुम के वीडियो में अपनी कुछ रियल वॉइस को जोड़कर बना दी और उसे जब इंस्टाग्राम पर डाला तो रातों रात ही इनकी ये वीडियो वायरल हो गई, और फिर ये इस तरह से सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पर कुसुम के साथ तेजी से वायरल हो गए। और आज रॉकी का सोशल मीडिया पर कॉमेडी वीडियो इतना ज्यादा फेमस है कि इन्हें बॉलीवुड से लोग मैसेज कर कहते हैं कि मैं पहले बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहता था, लेकिन जब से मैं आपका कॉमेडी वीडियो देखने लगा हूँ तब से मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा हूँ। वही रॉकी को बहुत सी हाउसवाइफ भी मैसेज कर कहती हैं कि अगर मैं किसान से थक हार कर आपका वीडियो देखती हूँ तो मेरी सारी थकान मिट जाती है, क्योंकि आपकी वीडियो जितनी कॉमेडियन होती है। तो अब हम बात कर ले रॉकी के लव लाइफ के बारे में, तो रॉकी ने अपने एक वीडियो में ये खुद बताया है कि पहले उनकी गर्लफ्रेंड थी लेकिन अभी वो सिंगल है, लेकिन अगर वो फिर से गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में पड़ते हैं तो दिन में जो उनका 3 वीडियो जाता है वो जाना बंद हो जाएगा। फिलहाल वो अभी अपने करियर पर फोकस करेंगे। वैसे रॉकी को जिम करना भी बहुत पसंद है। अगर हम बात करें रॉकी के इंस्टाग्राम आईडी की, दिन की इंस्टाग्राम आईडी रॉकी शर्मा के नाम से है, जहां पर इनके 5.5 मिलियन के फॉलोअर्स हैं। वहीं इनके यूट्यूब चैनल पर भी 950 के सब्सक्राइबर हैं। तो ये रही कॉमेडियन रॉकी शर्मा के बारे में छोटी सी जानकारी। बाकी आज की वीडियो में दी गई जानकारी में से अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जाकर बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी रियल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।